जेल आईलाइनर जिसमें कि मैं करने वाली हूँ वर्सेस, पहला है जो कि मेबेलिन का है, काफ़ी पॉपुलर जेल आईलाइनर है, और दूसरा जो आईलाइनर है वो है नायका का। तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट आईलाइनर लगा मुझे, मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ इसमें से कौन सा बेस्ट है। तो जनरली मैंने ये दोनों आईलाइनर सेम टाइम पे लिए थे और दोनों का प्राइस भी अंडर 500 रुपीज़ है। तो इन दोनों में से जो मुझे बेस्ट आईलाइनर लगा वो मैं बता दूँ, वो है नायका का, क्योंकि जो मेबेलिन का आईलाइनर है, और पहले मैं इनके ब्रश भी बता दूँ, ये ब्रश होते हैं, ये है हमारा नायका का ब्रश जो कि सिलिकन में है, लेकिन इसका ब्रश मुझे पसंद नहीं आया। मेबेलिन का ब्रश जो है वो फिर भी काफ़ी अच्छा है। तो मेबेलिन को मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल मतलब ड्राई हो चुका है और इसमें मुझे ऑयल डालना पड़ता है तब जाके ये अप्लाई होता है, और एप्लीकेशन बिल्कुल मतलब उतनी स्मूथ नहीं है जितनी नायका की है। तो ये है मेबेलिन का, जो कि ऑयल मैं इसमें डालूंगी तो जाके ये आराम से चल पाएगा। अब ये है नायका का, नायका का जेल आईलाइनर अभी तक मेरा बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है, ये अभी तक चल रहा है। जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी स्मूथ है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने अभी तक कोई भी ऑयल, फेशियल ऑयल नहीं डाला है, ये बिल्कुल अभी तक मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ये है नायका का, और ये मतलब अप्लाई करने में काफ़ी स्मूथ है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है। ये कम से कम मुझे 1 साल हो चुका है इसको यूज़ करते हुए, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर दोनों में से, तो आप नायका का जेल आईलाइनर यूज़ करें। मेबेलिन से वो मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि मेबेलिन का आईलाइनर विद इन 6 मंथ में मेरा ड्राई हो चुका था। हालांकि जेल आईलाइनर जब भी अप्लाई करें तो कैप, जैसे ही आप लेते हो कैप तुरंत इसकी लगा दें, नहीं तो अगर आप खुले में ही इसको यूज़ करोगे तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो ऐसे ही यूज़ करना है आपको, कोई सा भी जेल आईलाइनर हो, बिल्कुल स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, दूसरा बिल्कुल भी आसानी से ड्राई नहीं होता है, तो आसानी से आपका 1.5-2 साल आराम से चल जाएगा। और सेम प्राइस है इन दोनों जेल आईलाइनर का, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप नायका को ही मतलब लें, मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगा।